नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वी डिजर्व पर। और आज इस वीडियो में मैं लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन पर बात करने वाला हूँ। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में वैसे तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैकेनिकल ब्रांच का सब्जेक्ट होता है ME 207, उसमें चलता है, पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में ही आता है। इसी के अलावा डिप्लोमा के बाद बीटेक वगैरह में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी आप इसे पढ़ेंगे। और एनर्जी ऑडिटर के कोर्सेज जो कर रहे हैं लोग, वो भी इसको पढ़ते हैं, उनके भी एग्ज़ाम्स में आता है। इसके अलावा जो फील्ड में हैं लोग, जो लाइटिंग सिस्टम्स की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखते हैं, उनके भी ये बहुत काम का है। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि हमारी जो लाइटिंग है किसी भी एरिया में, किसी भी प्रमाइसिस में, बिल्डिंग में, ऑफिस में, घर में, स्टोर में, गोडाउन में, उन जगह पर कितनी इल्यूमिनेंस होनी चाहिए, कितना लक्स होना चाहिए, कितने ल्यूमेंस का हमें लैंप यूज़ करना है। तो ये सारी टर्म्स अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो इसका आज पार्ट वन अपन देखेंगे, जिसमें अपन लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन का पहला पार्ट देखेंगे। मैं पार्ट वन की बोल रहा हूँ क्योंकि दो लॉ होते हैं। पहला तो होता है इन्वर्स लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, जिसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। क्या होता है ये अभी देखेंगे अपन, इसे ही आज अपन को देखना है इस वीडियो में। और इसके अलावा एक दूसरा पार्ट जो होता है लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन का, वो होता है कोसाइन लॉ ऑफ इल्यूमिनेंस। ये बेसिकली अपने जो 3D एंगल से रिलेटेड है, और जो भी इल्यूमिनेंस किसी सरफेस पर पड़ रही है उसका एरिया और उस एरिया को कवर करता हुआ जो 3D एंगल बनेगा, उससे रिलेटेड है ये। तो इसको अपन पार्ट टू में देखेंगे। आज पार्ट वन में अपन को इन्वर्स स्क्वायर लॉ देखना है, ठीक है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, इसको समझने के लिए अपन को दो तीन टर्म्स समझनी पड़ेंगी। वो क्या क्या हैं वो देखते हैं। पहले ल्यूमिन, जिसे LM से दर्शाया जाता है। ल्यूमिन बेसिकली, ल्यूमिन क्या होता है, ये फोटोमेट्रिक इक्विवेलेंट है किसका, वाटेज का, ऑफ वॉट, यानी कितने वाट का बल्ब कितने ल्यूमेंस एमिट करेगा। तो वहां से अपन को ल्यूमेन और वाट में रिलेशन पता चलता है। जैसे एक वाट आप बोल सकते हैं 63 ल्यूमेंस जनरेट करेगा एट 555 नैनोमीटर वेवलेंथ। इस वेवलेंथ पर अपन बोलते हैं क्योंकि ये पूरे अपने विजिबल स्पेक्ट्रम की एवरेज वेवलेंथ है, ठीक है ना। तो यहां से अपन इसको बोलते हैं। बेसिकली क्या है ये कि आई रेस्पॉन्स के आधार पर है। ल्यूमिन जो है ये ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट ल्यूमिन्स में दी जाती है। यानी कि अगर मुझे बताना है किसी भी लाइटिंग सोर्स का ल्यूमिनस फ्लक्स कितना है, तो मैं उसको किस में बताऊंगा, ल्यूमिन्स में। जैसे कि अपन बताते हैं भाई कितने पावर का बल्ब है या कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो अपन उसको वाट में बताते हैं। इसी तरह से उस बल्ब के लिए अगर मुझे कहना है कि वो उसकी कितनी ल्यूमिनस फ्लक्स है, तो मैं उसे ल्यूमिन्स में बताऊंगा। यानी कि ल्यूमिन या LM इज यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। मैं आपको इतनी धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये पिक्चर क्लियर हो जाए, क्योंकि एक जैसी टर्म्स काफ़ी सारी आएंगी अभी। ल्यूमिन आएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स आएगा, इल्यूमिनेंस आएगा, इन सब में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ल्यूमिनस फ्लक्स क्या बला है वो समझते हैं। बेसिकली ल्यूमिनस फ्लक्स हमें ये बताता है, ये डिस्क्राइब करता है क्वांटिटी ऑफ लाइट को जो एमिट करी है किसी भी सोर्स ने। यानी कि इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी, आप देखिए क्वांटिटी की बात हो रही है, द क्वांटिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय लाइटिंग सोर्स, ठीक है। यानी किसी भी एक लाइट सोर्स ने कितनी लाइट एमिट करी, उसको अपन बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, और उसको किसमें, ल्यूमेंस में बताया जाता है। बेसिकली ये क्या है, अपन को किसी भी लैंप की इकोनॉमिक एफिशिएंसी बताता है।
कि भाई इतने वाट का बल्ब है तो उसका ल्यूमेन आउटपुट कितना होगा, या अपन यूँ कह सकते हैं कि आप अगर कोई भी बल्ब या कोई भी लाइटिंग सोर्स देखेंगे तो उस पर आपको ल्यूमेंस भी लिखे हुए मिल जाएंगे कि भाई इतने ल्यूमेन का ये बल्ब है या इतने ल्यूमेन लाइट ये एमिट करेगा, ठीक है ना, लाइटिंग सोर्स। तो ल्यूमेन रेटिंग जो है वो लैंप का एक तरीके से मेजर है कि कितना टोटल लाइट आउटपुट मिलेगा उस लैंप से। तो अपन ये कह सकते हैं कि ल्यूमेन रेटिंग इज द टोटल लाइट आउटपुट ऑफ दैट लैंप। ठीक है, तो ये अपनी बात क्लियर हो गई किसके बारे में, ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में, जिसकी रेटिंग होती है क्या, ल्यूमेन। अब आ जाते हैं अपन इल्यूमिनेंस के ऊपर। इल्यूमिनेंस जिसको डिनोट किया जाता है ई से, जैसे कि यहां अपन ने देखा था ल्यूमेन को डिनोट करते हैं एलएम से, और ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है ल्यूमेन। जैसे पावर की क्या यूनिट है, वाट, और वाट को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से, इसी तरह से ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है ल्यूमेन, जिसे डिनोट किया जाता है एलएम से। इसी तरह से है इल्यूमिनेंस जिसको डिनोट किया जाता है ई से। ठीक है, तो इल्यूमिनेंस क्या अपन को बताता है, ये एक्चुअली क्वेश्चन है ल्यूमिनस फ्लक्स का, इंसिडेंट ऑन एन एलिमेंट ऑफ द सरफेस एट अ पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट पर कितनी ल्यूमिनस फ्लक्स है। तो उस जगह का एरिया और ल्यूमिनस फ्लक्स, इन दोनों का रेशियो है ये इल्यूमिनेंस। कहने का मतलब क्या हुआ, इट इज क्वेशेंट ऑफ द ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट ऑन एन एलिमेंट ऑफ द सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ सरफेस कंटेनिंग दैट पॉइंट, यानी कि किसी सरफेस पर पड़ने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स कितना है उससे अपन निकालते हैं इल्यूमिनेंस। और इसकी जो यूनिट है, यूनिट ऑफ ई, यही ई है, इज गिवन बाय लक्स। लक्स इसकी यूनिट है जिसे एल एक्स से डिनोट किया जाता है। तब आप देखिए टर्म क्या है अपनी, इल्यूमिनेंस जिसे ई से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट क्या है, मात्रक क्या है इसका, लक्स, जिसे एल एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ऊपर अपन ने भाषा में तो समझ लिया, पर फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, इल्यूमिनेंस ई ये किसके इक्वल होगा, कितनी ल्यूमिनस फ्लक्स है डिवाइड बाय कितने एरिया पर पड़ रही है मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, यानी कि अपन को पास कोई एक मीटर स्क्वायर में कोई एक सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया पर कितने ल्यूमिनस फ्लक्स या कितनी लाइट पड़ रही है उससे अपन निकालते हैं क्या, इल्यूमिनेंस, कि वहां पर कितनी रोशनी है। इल्यूमिनेंस बेसिकली किसको, रोशनी को बताता है, किसी भी लाइटिंग सोर्स की वजह से कितनी रोशनी है किसी भी एरिया में। तो अगर मैं बोलूं वन लक्स या एल एक्स, वन लक्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ई की यूनिट क्या है, वन लक्स बराबर किसकी होगी, वन ल्यूमेन बाय वन मीटर स्क्वायर बराबर वन ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वन लक्स। ठीक है, यहां से अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ आता है। क्या कहता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि जो अपनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है पर यूनिट एरिया, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस एरिया के, उस सोर्स से, लाइट सोर्स से डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बताता है, कि ई जो होगा, इल्यूमिनेंस जो होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, वन बाय डी स्क्वायर के। और ये डी क्या है, डी इज डिस्टेंस, किस किस के बीच, डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड सरफेस, वो सरफेस एरिया जिस पर लाइट गिरानी है और वो लाइट सोर्स जहां से लाइट एमिट हो रही है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, इल्यूमिनेंस। यही इनवर्स स्क्वायर लॉ है। यानी कि अगर मैं किसी एक लाइटिंग सोर्स को दूर करूं, जैसे ये एक मान लीजिए कोई सरफेस एरिया है और यहां अपना लाइटिंग सोर्स है, यहाँ से ये लाइट निकल रही है, ठीक है, तो अभी मान लीजिए डिस्टेंस डी वन है और इस टाइम पर इस एरिया में जो इल्यूमिनेशन हो रहा है, इल्यूमिनेंस है, वो है ई वन। अब अगर मैं इस लाइटिंग सोर्स को थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो
डिस्टेंस बढ़ाने पर जो इल्यूमिनेंस होगा वो घटेगा, और घटना भी चाहिए। अपन ये अनुभव कर सकते हैं प्रैक्टिकली रूप में, जैसे जैसे अपन लाइट से दूर जाते जाते हैं तो अंधेरा बढ़ता जाता है। आप रोड पे भी खड़े होकर अगर किसी रोड लाइट को देखेंगे तो रोड लाइट के जस्ट नीचे ज़्यादा रोशनी होगी बनस्पत रोड लाइट से 20 मीटर दूर जाएंगे तो, ठीक है ना। तो वही बात है, अब अगर यहाँ पर डिस्टेंस मान लीजिए D2 हो गया है और इस D2 की वजह से जो इल्यूमिनेंस हो रहा है सरफेस पे वो E2 है, तो जो अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलता है वो ये बोलता है क्या कि E1 D1 स्क्वायर बराबर होगा किसके, E2 D2 स्क्वायर के। और इसी से अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, इसी से अपन कितना इल्यूमिनेंस चाहिए किसी भी सरफेस एरिया पर तो उससे कितनी दूरी पर लाइट लगाई जाए ये निकाला जा सकता है। अगर मुझे उस लाइट के ल्यूमेंस पता हैं, उस लाइटिंग सोर्स के कितने ल्यूमेंस हैं, क्योंकि सरफेस एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं कि भाई इतने सरफेस एरिया को हमें इल्यूमिनेट करना है, ठीक है। तो ये अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया, और अपनी दो टर्म्स अपन ने समझ ली इस वीडियो लेक्चर में, एक तो ल्यूमिनस फ्लक्स जिसकी यूनिट है ल्यूमेन जिसे डिनोट किया जाता है LM से, और दूसरा इल्यूमिनेंस E जिसकी यूनिट होती है लक्स जिसे डिनोट किया जाता है लक्स से, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इल्यूमिनेंस को E बोलते हैं, लक्स को LX से डिनोट करते हैं, और ल्यूमिनस फ्लक्स हमें लाइटिंग सोर्स से कितनी लाइट एमिट हुई वो बताता है, और ल्यूमेन उसकी यूनिट है जिसे LM में डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे, इसी का पार्ट 2 अपन देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, देखते रहिए सीखते रहिए, ओनली एट वी डिजर्व।